थैंक यू वेरी मच। आपकी मेरे से पहले बात हुई है, कब बात हुई है? यस सर, ये दिसंबर में बात हुई थी सर, मे बी नवंबर और दिसंबर में सर। क्या था आपका केस, किस बारे में हमने बात करी, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता। यस सर, नो इशू, आई कैन टेल यू सर। मैंने और कुणाल ने दोनों ने ही बात की थी आपसे, और हम दोनों को ही कंफ्यूजन थी। मेरा केस ये था कि मेरे को जो मेरी लास्ट स्टडी थी सर, वो 2014 में थी, और गैप हो गया था सर 5 to 6 years का। जी तो देन मैं कंफ्यूज थी सर, मुझे पीआर ऑप्शन के साथ जाना चाहिए या मुझे स्टडी वीजा के साथ जाना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि पीआर ऑप्शन के लिए जाएगा, बट मेरा जो सीआरएस स्कोर बन रहा था सर, वो कम था, वो 432 जा रहा था सर। जी तो बहुत से एजेंट्स ने भी और लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि LMIA अगर आप बनवा लेते हो तो वो एकदम से स्कोर चला जाएगा कंप्लीट आपका, क्योंकि अभी आपको एज के मार्क्स मिल रहे हैं और आपके साथ चला जाएगा पीआर ऑप्शन। तो बट मैं कंफ्यूज थी, मुझे स्टडी वीजा के लिए जाना था और मैं अपना आईएलटीएस भी दे चुकी थी एकेडमिक ओवरऑल 6.5 बैंड के साथ सर। तो फिर मैंने जितना भी स्टडी वीजा के लिए सर अच्छी अच्छी कंपनी से या एजेंट से सर बात की, और उन्होंने किसी ने बोला ठीक है हम ट्राई कर लेते हैं, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, और काफी ने तो सर मना कर दिया, बिल्कुल ही मना कर दिया कि स्टडी ऑप्शन आपके साथ नहीं जाएगा क्योंकि आपका गैप ज्यादा हो गया। ओके। तो सर इसी कंफ्यूजन को लेके मैंने आपसे बात की, तो फिर आपने तो मुझे बेस्ट ऑप्शन यही बताया, क्योंकि जो LMIA है वो बिल्कुल फ्रॉड है, कोई आपको दे ही नहीं सकता, और ये बात मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो से पहले देख ही चुकी थी, तभी सर मैंने बात की थी। ये तो पॉसिबल ही नहीं था, ये तो बिल्कुल फेक था। और अब तो मैं अपने केस को खुद के एक्सपीरियंस से अब मैं बता रही हूँ, मैं जिसको भी सजेस्ट करती हूँ कि यही करती हूँ कि नहीं, LMIA के चक्कर में कोई भी मत जाना। तो सर फिर मैंने स्टडी वीजा ही अपना अप्लाई किया, और एज पर योर सजेशन तो सर आई गॉट माई वीजा नाउ, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर इन अलगोमा यूनिवर्सिटी। जी थोड़ा सा ये बता दें कि आपने पढ़ाई क्या करी है, कौन सी डिग्री थी आपके पास? सर आई हैव डन माई मास्टर्स इन कॉमर्स एंड आई हैव ऑल्सो डन माई BEd एंड आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन। बट मुझे जो अपने केस की स्टडी से और जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी यही सजेशन देना चाहूंगी सर, आपका जो गैप पीरियड है ना, आप उसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई कीजिए, उसको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारा गैप है तो हमारा वीजा नहीं आएगा, स्टडी वीजा नहीं जाएगा, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है सर। यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है इंडिया में बेसिकली, कि स्टडी तो कंप्लीट हो गई है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चले जाएंगे, जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो चुकी है, आप एक एडिशनल BEd भी कर चुके हो, अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा स्टडी के लिए। तो सर ये गलत है, स्टिल मेरे पास वीजा है इस चीज का, और बट मेरे को जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अपने केस में ये लगा कि मेरा जो वो गैप था उसको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, कि इन बिटवीन मैंने क्या किया है, मैं स्टडी से दूर नहीं थी, मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन में थी, उसको कम्प्लीटली मैंने एक्सप्लेन किया। जी आपने थोड़ा सा इसको हम डिटेल में जाते हैं, आपने बीएड करी है, बीएड यस सर, और टीचिंग का कितना एक्सपीरियंस है? सर फॉर 3 years का मैंने उसमें मेंशन किया सर, 3 years का मेरे पास था। ओके, सो 3 इयर्स का आपने एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी है अलगोमा, ये शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मेरे को पता नहीं, और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टीचिंग से क्या ताल्लुक है, क्या है? यस सर, मेरे को सेम सर यही इशू था कि मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट था, बट साइड बाय साइड सर मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स भी किया हुआ है, BCom है और MCom भी है सर। मतलब ये था कि उसमें मेरे को टीचिंग बेसिकली क्या है कि सर मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं उसी प्रोफेशन में जाऊं जिस जाऊं मैं अभी यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, बट सर वही है कि टीचिंग वहाँ बेसिकली आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए, डायरेक्टली आपको कोई चीज के लिए नहीं बुलाएगा सर, तो वो सर बहुत मुश्किल इशू था। तो मुझे ये लगा कि अगर अपनी मास्टर्स और बैचलर के साथ ही अगर मैं कंटिन्यू करूंगी तो दैट इज अ गुड ऑप्शन फॉर मी, वो भी एक अच्छा है, अगर टीचिंग को मैं आगे और कंटिन्यू करना चाहती हूँ तो सर मैं वहां जाके कर लूंगी, इसीलिए सर प्रोजेक्ट मैंने। मैनेजमेंट का चक्कर ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, आपका वीजा कब लगा, कितने दिन हो गए? सर ये जनवरी इनटेक मुझे मिल गया था सर, लेकिन मैंने डेफर कर दिया था क्योंकि क्योंकि मेरा AIP लेट आया था सर, तो अब मई इनटेक से मेरी क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर चल रहे हैं। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ अच्छी जी बात, सर, ठीक है ठीक है, चलो अच्छी बात है, आपका काम हुआ, जरूर हुआ, प्रोजेक्ट यस मैनेजमेंट। सर, मैं बहुत परेशान थी और बहुत सी कंफ्यूजन में मैं भी आ गई थी, कि मुझे डायरेक्टली मना कर दिया कि मेरे साथ कोई भी ऑप्शन नहीं जाता, ऐसा तो नहीं हो सकता, PR के लिए मार्क्स नहीं बन रहे हैं,
स्टडी वीजा जाएगा नहीं तो क्या बचा क्या ऑप्शन मेरे पास? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी ऑप्शन ना बचे. तो सर आपने ये सजेस्ट किया कि आप स्टडी वीजा के लिए या तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए चले जाओ, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा. सर ये सजेस्ट किया था तो मैंने फिर उसी पे ही पूरा फिर अपना फोकस किया. LMIA वाले जो कंसल्टेंट थे वो कितना मांग रहे थे, थोड़ा सा बताएं. सर वो मैंने किसी को भी ये नहीं बोला था कि मेरा LMIA बनवा के दो. जो लोग कह रहे थे वो मतलब कि कितना सर इसकी नॉलेज मैं पहले से ही आपकी वीडियो से ले चुकी थी. अच्छा. मतलब मुझे ये था कि अगर मेरा कोई नोन है तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ, मैं हेल्प ले सकती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है. तो उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि यहाँ सब पैसे लेंगे और यही सब होगा और जो भी, लेकिन फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो सही है या नहीं है. तो मैं इसी कंफ्यूजन की वजह से सर मैंने आपसे बात की थी कि सर ये सही है ऑप्शन LMIA रियली में मुझे मिल सकता है सर. बट आपने तो वो डाउट उस दिन बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये तो भूल ही जाओ, ये बिल्कुल भी नहीं मिल सकता आपको, आपको कैसे मिल सकता है. तो सर वो उस ऑप्शन को सर मैंने छोड़ दिया, LMIA की जो सब्जी मंडी है वो चल रही है कनाडा में भी, दुबई में भी, इंडिया में. LMIA थोक में और फुटकर में बिक रहा है, लेकिन कुछ बातें जो इंडिया में रहते हुए लोग ये समझ नहीं पाते कि LMIA बेचना खरीदना ये गैर कानूनी है, कानून के खिलाफ है, नंबर वन. और जिनको LMIA मिल भी जाएगा, अगर किसी तरह मिल भी जाए, तो उसके बाद उसके पॉइंट्स जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, चाहे आप वर्क परमिट अप्लाई करें चाहे एक्सप्रेस इंटरव्यू जाए, उसमें भी एक वो रिस्क है थोड़ा सा. तीसरा रिस्क ये है कि अगर आप बाय चांस अगर कनाडा पहुंच भी जाते हैं लेट्स से वर्क परमिट पे, तो ये भी जरूरी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी. आप पहुंच तो गए लेकिन आपको नौकरी करोगे उसकी या वो नहीं, वो भी कोई गारंटी नहीं है. कि हो सकता है कई बार लोगों का है कि तो पेपर ड्रामा है, सारा कुछ है नहीं यहाँ पर, तो फिर जीरो की जीरो. जिनकी नौकरी चल गई उसका ये नहीं पता है कि नौकरी एक महीने बाद वो फायर हो जाएंगे, ये भी नहीं पता है. कुल मिला के ये चार पॉइंट मैंने बताए आपको, इसके आगे और भी हैं. और कई बार जो एम्प्लॉयर है आपको तनख्वाह देगी देखते ही नहीं है, वो तो कहते हैं हमें तो आपको बुलाना था, तनख्वाह देने की क्या जरूरत है. तो कुल मिला के मतलब कि शुरू से लेके एंड तक उनके सिर पे तलवार लटकती रहेगी, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी वो फिर खाली के खाली. और कुछ भी हो सकता है, मतलब कि आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स, आई डोंट वांट टू टेक एनीबडीज नेम. यहाँ पर LMIA लेने के बाद भी उनको फिर डिपोर्ट आने के बाद भी उनको फिर रिमूवल हो गया, डिपोर्टेशन हो गई उनको यहाँ से और उनको जाना पड़ा. तो अच्छा है, आपकी किस्मत आपके ऊपर भगवान है का हाथ है और आप LMIA के चंगुल से बच गए और आप स्टडी वीजा पे आ गए हैं. और इट्स वंडरफुल. और कितने पैसे पे किए? आई जस्ट वांट टू क्यूरियोसिटी, कितने पैसे पे किए आपने कंसल्टेशन के लिए? सर नहीं, मेरी फिर एक्चुअली स्टडी वीजा के लिए सर जो फीस होती है वो सब फिर प्रोसीजर आ गया. वो तो ठीक है, आपने पिछले साल मेरे से बात करी ना, मैंने आपसे कोई कंसल्टेशन फीस चार्ज करी होगी. यस सर, यस. कितने कितने? सर जस्ट वेट, माय ब्रदर ने वो फी पे किया था, मैं अभी मेरे साथ ही है, मैं अभी करा. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. हां जी, प्रणाम. फीस जो पे की सर 16,000 पे की थी सर. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं चलो सर को के सर को 16,000 60,000 होगी उस टाइम में होती होगी. हाँ उस टाइम में होती होगी. तो 16,000 में चलो अच्छा हुआ, एक एडवाइस कामयाब हो गई आपको और आपका वीजा लग गया और बाकी के पैसे इधर उधर देने से बच गए, एजेंटों के चंगुल से बच गए और हो गए. और कई बार लोग मेरे को कहते हैं कि भाई आप बात करने के पैसे लेते हो और मैं ये आप जैसे बात करते हैं तो मेरे को पता लगता है कि आई एम नॉट डूइंग अ रॉन्ग थिंग, आई एम डूइंग द राइट थिंग. क्योंकि सही सलाह से अगर किसी का जीवन उद्धार हो जाए तो क्यों नहीं. और दूसरी तरफ हम लाखों देने को तैयार हैं. देखो मजे की बात है, हम वहाँ लाखों अपना घर गिरवी रखने को तैयार हैं, LMIA लो, फलाना लो, तो ये लो, वो लो, वो देने को तैयार है, लेकिन वो सोचते हैं कि भाई बात करने के पैसे लेने तो जायज़ नहीं है. पर anyway, आप जैसे लोगों से मेरे को लगता है कि मैं जीवन में कुछ जो मैंने स्टेप्स लिए हैं वो सही हैं और आपका जीवन भी सार्थक हो रहा है इससे. आई अप्रिशिएट योर कॉल. और कब फिर आ रहे हैं कनाडा, कब जा रहे हैं फिर? हाँ यस सर, सर एक्चुअली बस ये है कि फैमिली में ये सोच रहे थे कि भाई का भी हो जाता तो सर हम काफी टाइम से अगेन आपसे बात करना चाहते थे कि सर उसका अगेन रिजेक्शन आ गया, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम हर तरफ से परेशान हो रहे हैं सर, प्लीज उसको कोई वैल्यूएबल एडवाइस दे दीजिए सर. वो तो मैंने उसको रेफर कर दिया है, जहाँ पर एक इंडिया में लोकल मैंने उसको रेफर कर दिया, तो वो अपने जो कैप्स नोट्स और जो तीसरा रिफ्यूजल है वो लेके जाए, तो इसको हम स्टडी करते हैं क्योंकि उसके शायद मार्क्स की प्रॉब्लम है. तो वो उसको फिर देख स्टडी करके फिर देखते हैं क्या होता है. अगर कनाडा हो जाता है तो इट्स ओके, आई एम नॉट गारंटीइंग कि कनाडा उसका होगा नहीं, वो बेस्ड ऑन हर एक का बैकग्राउंड फर्क होता है.
और नहीं है तो फिर कोई और ऑप्शन देखेंगे एंड देन वी विल सी। यस सर, सर बस फिर ये नहीं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं आ जाऊंगी, इकट्ठे आ सकते हैं तो सर बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, 2 मंथ्स पहले भी आपको मैसेज किया सर बट आपने बोला कि अभी हम फाइल ले नहीं रहे हैं स्टडी वीजा की। जी जी, स्टडी वीजा की फाइल एक्चुअली टिपिकली मैं आपको बता दूं सीक्रेट थोड़ा सा उसका, शायद आपको पता नहीं इस बारे में, बट सर जब आज आपका एकदम से कॉल आया तो सर वी वर वेरी हैप्पी कि ठीक है बस अब बात हो जाएगी और क्लियरली कुछ ना कुछ तो एडवाइस मिलेगी सर। मैं आपको बहुत यूजफुल रही है और हम सच में इसी वजह जब से इसका रिजेक्शन आया हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जिसके पास भी जा रहे हैं सब अपनी एक अलग कहानी लेकर हमारे सामने खोल रहे हैं, अब ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बहुत परेशान है हम। समझने वाली बात है कि हर एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट एक बिजनेस है और सबको अपने अपनी दुकानदारी के लिए अपना ग्राहक को कुछ ना कुछ बेचने के लिए अलग अलग चीज सामान बेचना पड़ता है, दैट्स व्हाई मे बी द एडवाइस इज डिफरेंट एवरीवेयर, सो जिसको जो सूट हो जाए। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक डॉक्टर की दवाई काम नहीं आती, दूसरे के पास जाते हो, तीसरे के पास जाते हो, ऐसा ही है। तो जहां तक आपकी उनके स्टडी वीजा की वो जो एप्लीकेशन की बात है, मैं एक्चुअली हर एक स्टडी वीजा एप्लीकेशन अपने हाथ से मैं करता नहीं हूँ और उसकी दो वजह, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर मैं सब एप्लीकेशन करना चाहूँ तो मेरे पास और स्पाउस वीजा करने का टाइम नहीं मिलेगा। जो एप्लीकेशन मैं खुद अपने हाथ से करता हूँ वो ऐसे करता हूँ कि जहाँ पर बहुत यूनिक केस है, जैसे मैं कुछ केस कर रहा हूँ अभी, एक हस्बैंड वाइफ है, मैं केस करता हूँ दोनों के इकट्ठे, जैसे स्पाउस वीजा एंड स्टडी वीजा मैं इकट्ठे केस करता हूँ। पहली बात, मैं सिंगल तो करता ही नहीं हूँ, जहां पर मेरे को लगता है कि वो जस्टिफाइड है, जैसे वो इस केस में वो प्रोफेशनल है, काफी सॉफ्टवेयर के वो करती है काम, और उनका रिफ्यूज हो गया था और फिर वो आई मेरे पास, तो मेरे को लगा, मेरे को दिल को टच कर गई वो रिफ्यूज कैसे किया उन्होंने, क्योंकि उनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है और वो उनका मतलब शी इज वेरी डिजर्विंग, उनको मिलना चाहिए। तो इस तरह के केसेस जो मेरे मेरे दिल को छू जाते हैं उसको मैं केस पर अपने हाथ से करता हूँ, फिर मैं अपने हाथ से फिर वो लिखता हूँ लेटर वगैरह जो करता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट टेक ऑल केसेस, आई टेक ओनली वेरी यू नो यूनिक केसेस, जहाँ मेरे को लगे कि हाँ इसको ये एक लड़ने वाला केस है, जहां पर मेरे को लगता है कि लड़ने वाला केस है, अपील करने वाला केस है, उसको केस लेता हूं। मैं नॉर्मल टिपिकली केस आई वुड से यू नो ट्राई टू डू ऑन योर ओन, जैसे कि आपने किया अपने आप। यस सर, सर बस यही है कि सर एक बार इसको भी स्टडी कर लीजिए, क्योंकि सर अब हमें ये लग रहा था कि फर्स्ट 2 रिजेक्शंस में हम उस चीज को समझ पाए कि हमारी एकेडमिक रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रही थी, बट सर थर्ड टाइम सब कुछ मीट कर रहा था सर, फिर अगेन वही रिजेक्शन आ रहा है, सो सर उस चीज को लेके हम बिल्कुल क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, फंड्स क्लियर है, सब कुछ ठीक है सर, ओवरऑल 7 बैंड है सर, समझ ही नहीं आ रहा सर प्रॉब्लम क्या है, क्या क्लियर नहीं कर पा रहे हम, कहां गलती कर रहे हैं सर। या वो कई बार क्या होता है कि बार बार हम जब अप्लाई करे जाते हैं ना, 2-3 बार कर जाते हैं और जहां पर कोई खास कोई ऐसा यूनिक कोई उनका आपके पास ट्रेट नहीं है, तो वो उनको लगता है कि आदमी ये डेस्परेट बहुत है, मतलब डेस्परेट है। चलो स्टूडेंट ने, किसी भी स्टूडेंट ने, कोई भी इंडियन स्टूडेंट ने कैनेडा से वापस नहीं आता, लेकिन बार बार हम जब अप्लाई करते हैं विदाउट एनी यू नो लाइक अ पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन बिटवीन, तो उनको एक जरूर लगता है कि भाई दिस गाय इज नॉट अ सीरियस स्टूडेंट, मीन बार बार डेस्परेशन कर रहा है, इसको मतलब किसी ना किसी कीमत पे कनाडा जाना ही है, इस तरह से थोड़ा सा हो जाता है। बट आई हैव रेफर्ड हिम टू माय रिप्रेजेंटेटिव इन लुधियाना, सो ही विल टेक अ लुक एंड ही विल गिव मी अ रिपोर्ट आफ्टर मे बी अ डे और टू, फिर मैं उससे डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द राइट वे टू प्रेजेंट दिस एंड यू नो इसको क्या करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सो घबराने की बात नहीं, कई बार जो केसेस हैं एक बार में हो जाते हैं, कई बार दो दो तीन तीन बार, मेरे पास ऐसे भी केस हैं जिनको 4-4, 5-5, 6-6 बार भी हो गए, कोई स्पाउस की क्या है जो आई मेड सम वीडियोस वो 6-7 टाइम्स में लगे हुए हैं, तो पेशेंस थोड़ा सा यू नो दाना पानी है, जब कनाडा का दाना पानी बुलाएगा तो वीजा लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्कार। और अब मैं मतलब मुझे कोई भी मिलता है तो सर मैं आपके वीडियोस सबको रिकमेंड करती हूँ, मैं सिर्फ ये बताती हूँ आप यहाँ जाओ और ये वीडियोस देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वेदर इट इज रिलेटेड टू स्टडी वीजा है आपका, स्पेशली कोई पीआर से रिलेटेड क्वेश्चंस है सर, वो बहुत हेल्पफुल सिर्फ मेरे लिए नहीं है सर, जिसको मैं रिकमेंड कर रही हूँ वो स्पेशली मुझे थैंक्स करते हैं कि सच में बहुत वैल्यूएबल एडवाइस वो देते हैं, रियली सर इट्स रियली अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच सर। ये इसको मैंने अपना, चलो प्रोफेशन तो है, दाल रोटी हमें भी खानी है, थोड़ा सा हमें भी गुजारा करना है, कनाडा में बैठे हैं, हमें भी घर का किराया देना है, बिजली पानी का बिल देना है, वो एक अलग बात है, सारी दुनिया को रोजी रोटी कमानी है, पर इसको मैंने एक अपना एक दिल से एक वो पैशन सा बना लिया इसको, मतलब आई लाइक टू टॉक यू नो अबाउट समथिंग की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि
मैंने भी जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत देखी हैं और सो आई टॉक फ्रॉम माय पर्सनल इनसाइट एंड एक्सपीरियंस. सिर्फ किताब पढ़ के मैं एडवाइस नहीं करता, मतलब मैं रोज की जो केसेस देखता हूँ, जैसे आपको देखा, और रोज ही मैं दो तीन लोगों से बात करता हूँ नए, और पिछले पता नहीं कितने साल से चल रहा है. आई हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ यू नो आई डोंट इवन रिमेम्बर, बट मेरे पास आई गॉट थाउजेंड्स ऑफ यू नो प्रैक्टिकल केसेस. केस केस में ऐसा हुआ ऐसे हुआ, एंड दैट्स हाउ आई मेक द बेस्ट. सो भगवान की कृपा है, और क्या कह सकते हैं, भगवान ने ऐसे ऐसे चुना हुआ है ये काम करने के लिए. और दूसरा, मैं काम कोई कर नहीं सकता. कई बार मैं कनाडा में मेरे दोस्त मिलते हैं, कोई ट्रक चला रहा है, कोई कुछ और बिजनेस कर रहा है, कुछ और बिजनेस करता है, वो मेरे को कहते हैं कि इसमें प्रॉफिट है, ये कर लो, वो करते. मैंने उनको कहता हूँ कि मैं कोई और काम कर ही नहीं सकता, मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ, और कोई काम मेरे बस की बात नहीं है. सर प्लीज स्टडी कीजिए, और सर इसको अगर कोई हम लेटर, अगर हम सर कुछ कर सकते हैं इसमें, लेटर ऐड कर सकते हैं सर अगर कुछ. जस्ट वेट फॉर वन और टू डेज, उसको स्टडी करने, मैं उससे बात करता हूं क्या करना है. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, नमस्कार.